गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड वेल. नाइस टू सी यू अगेन इन माई क्लास. सो स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डिस्कस चैप्टर ऑफ लिटरेचर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ विजिट टू कैम्ब्रिज. वॉट इज कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज इज अ सिटी, इट इज इन इंग्लैंड. एंड डू यू नो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो देयर, जो कि कैम्ब्रिज सिटी के नेम पे है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. दिस चैप्टर इज रिटन बाय फिडोस कांक. सो स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू आस्क, हाउ डू यू फील वेन यू मीट समवन? जब आप किसी से मिलते हो तो कैसा फील करते हो? यू फील हैप्पी, राइट? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन जिससे आप बहुत इंस्पायर हो, देन you will feel excited, right? So this chapter is also meeting between two extraordinary people, both are differently disabled. Short meeting. Fidoš Kang is a writer, journalist. He lives and works in Mumbai. Fidoš Kang, he meets with Stephen Hawking and they both exchange their ideas and thoughts. Fidoš Kang is born with brittle bones. I told you both are differently disabled. दोनों disabled हैं, जो move नहीं कर सकते. Both are on wheelchair. So he is suffering from osteogenesis imperfecta, means brittle bones. इसका मीनिंग होता है रजे, जिसमें जो मसल्स और बोन्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, हल्का सा गिरने पे भी फ्रैक्चर हो जाता है. एंड स्टीफन हॉकिंग, ही इज पैरालाइज्ड एंड कन्फाइंड टू अ व्हीलचेयर. स्टीफन हॉकिंग इज अ ग्रेट साइंटिस्ट और फिडोस कांग स्टीफन हॉकिंग से बहुत ही इंस्पायर है. ये साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट. एस्ट्रोफिजिस्ट मीन्स जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स के फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. अब फिडोस कांग अपने टूर पे गए हुए हैं. वहां पे उनको पता चलता है उनके गाइड से कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो कैम्ब्रिज में आए हुए हैं. एंड स्टीफन फिडोस कांग, ही इज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम स्टीफन एंड ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस. वो बहुत खुश हुए थे सुनने के बाद एंड ही वॉन्ट्स टू मीट हिम. वो फोन बूथ के बाहर जाते हैं, कॉल करते हैं, तो स्टीफन हॉकिंग की जो असिस्टेंट होती हैं, शी पिक दैट कॉल. वो कॉल उन्होंने पिक की. फिडोस कांग उनको उनसे अपॉइंटमेंट मिल लेते हैं. उनको कहते हैं कि वो स्टीफन हॉकिंग से थोड़ी देर के लिए मिलना चाहते हैं. तो उनको टाइम मिलता है हाफ एन आवर, ओनली 30 मिनट्स उनको मिलते हैं उनको मीटिंग के लिए. एंड नाउ फिडोस कांग इज वेरी हैप्पी. वाई? बिकॉज वो लाइफ में उस पर्सन से मिल रहे हैं जो उनकी तरह है. ये फिडोस के कांग का कहना है कि मैं अपनी लाइफ में उस पर्सन को मिलने जा रहा हूँ जो मेरी तरह है, लाइक डिसेबल, और जिन्होंने बहुत ह्यूज अचीव किया हुआ है. दैट्स वाई ही इज वेरी हैप्पी. नेक्स्ट डे ही मीट्स विद स्टीफन हॉकिंग. वो उनसे मिलते हैं, वो अभी फेस टू फेस बातें नहीं कर रहे. जो स्टीफन हॉकिंग है वो कैसे बातें करते हैं? वो अपनी व्हील चेयर पे हैं, वो अपनी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना, वो पंचिंग बटन लिख के उनको बटन को वो पंच करते हैं, जो उनके लेटर हैं वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो जाते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिडोस कांग है वो उनसे पूछते हैं कि जो पीपल हैं दे थिंक दैट डिसेबल पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि जो डिसेबल पीपल हैं वो हमेशा ही अनहैप्पी होते हैं, इज इट राइट? देन स्टीफन हॉकिंग रिप्लाइड नो. आफ्टरवर्ड्स फिडोस कांग ही इज टॉकिंग विद हिम एंड ही इज वेरी हैप्पी. तो वो उनके लिए जो एक कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज वॉज मेटाफर टू इंग्लैंड. वो कैम्ब्रिज में उनकी मीटिंग हो रही है तो वो इंग्लैंड के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं कि उनके लिए कैम्ब्रिज एक इंग्लैंड ही है. मेटाफर इज अ सिंपली जो एक कंपेरिजन के लिए यूज की जाती है. फिर वो आगे उनसे पूछते हैं, स्टीफन हॉकिंग से उनकी जो मीटिंग है वो कंटिन्यू चल रही है. फिर फिडोस कांग फर्दर एडेड कि
जो डिसेबल पीपल हैं वो खुश नहीं होते क्या आपको ऐसा लगता है? ही सेड कि डिसेबल होने में कुछ भी इतना बुरा नहीं है, पर एक डिसएडवांटेज है। व्हाट डिसएडवांटेज इज देयर, क्या डिसएडवांटेज है? कि जो जब हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को किसी के आगे जब बोलते हैं, रखते हैं, तो हम उसको टाइप करके, जैसे पंचिंग मशीन बटन वो करते हैं, उसको पंच करके बटन्स को, तो उनके आंसर फ्लैश हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इनसे क्या है, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी इन्फ्लेक्शन नहीं आ रही, एक्सप्रेशन नहीं शो हो रही। तो वो ये कह रहे हैं कि ये डिसएडवांटेज है बस, कि जो हमारे इन्फ्लेक्शन है वो शो नहीं होती। अब मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, है ना, तो आपको पता चल रहा है कि मैम हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, वो मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे टोन से वो आप आइडिया लगा रहे हो। वो स्टीफन हॉकिंग क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ लिख के वहां पे हमारे आंसर्स फ्लैश होते हैं, तो हमारी जो इन्फ्लेक्शन है, हमारी शेड है, हमारे टोन है, उस चीज का पता नहीं चलता। एंड नाउ फिडोस कांग इज, नाउ स्टीफन हॉकिंग इज कन्वर्जिंग विद फिडोस कांग, और दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस अभी नहीं हुए हैं। फिडोस कांग को उनकी जो फर्स्ट लुक देखने को मिलती है, इट इज रियली शॉकिंग। वाई इज इट शॉकिंग? बिकॉज इट इज लाइक थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल होता है जो बिल्कुल रियल लगता है। फिडोस कांग इज थिंकिंग कि जैसा उन्होंने उनको मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में देखा है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वहीं से निकल के बाहर आ गए हो, इतने वो रियल लग रहे हैं। एंड ही इज थिंकिंग कि वो इस वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल मैन को मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वेयर डिड फिडोस कांग लिव? इन मुंबई। हु इज स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। विच सिंबल इज यूज इन दिस चैप्टर? मेटाफोर। सो स्टूडेंट्स, आफ्टरवर्ड्स फिडोस कांग कंपेयर स्टीफन हॉकिंग विद लांटेन। लांटेन, हैव यू सीन लांटेन? लांटेन होता है रजे, एक जो लैंप को बोलते हैं, लैंप की जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं, क्या हमें वो उसका कोई बेनिफिट होता है? नहीं ना। हमें बेनिफिट किसका होता है? उस अंदर वाली लाइट का, जिससे हमें रोशनी मिल रही है, राइट? तो वो उससे क्यों कंपेयर करते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग है, चाहे वो मूव नहीं कर सकते, डिसेबल हैं, बट उनको, उन्होंने उसकी किसकी वैल्यू बताई है? उनकी इनर ग्लो की, उनकी सोल की, क्योंकि उनकी सोल इतनी ब्यूटीफुल है, उनके आइडियाज, उनका माइंड इतना इनोवेटिव है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ह्यूज अचीव किए। सो इन द सेम वे कि जैसे हम भी सोचें कि एक्सटर्नल ब्यूटी डजेंट मैटर, विच मैटर्स द मोस्ट? इंटरनल ब्यूटी। सो इंटरनल, उनके लिए उनकी इनर सोल वो क्या थी? बहुत ही ब्यूटीफुल। उनके आइडियाज, उनके थॉट्स, वो क्या कहना चाह रहे थे फिडोस कांग? कि वो कहना, स्टीफन हॉकिंग कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, बट इट वॉज वेरी हार्ड टू मेक मी अंडरस्टैंड। देन आफ्टरवर्ड्स वो फिडोस स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं, डू यू वॉन्ट टू गिव एनी एडवाइस टू डिसेबल पीपल? क्या आप डिसेबल पीपल को कोई एडवाइस देना चाहते हो? स्टीफन हॉकिंग सेड कि डिसेबल पीपल को वो सिर्फ यही एडवाइस देना चाहते हैं कि दे शुड कंसंट्रेट वॉट दे आर गुड एट। उन्हें सिर्फ उसी चीज में कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। अगर वो कहें कि हम ओलंपिक्स में जाएं, इट इज अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो अपने एक एग्जाम्पल कोट करते हैं स्टीफन हॉकिंग कि मैंने भी एक बार जो गिटार है वो बजाना सीखा था, बट इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो डिसेबल पीपल है उन्हें उनमें ही कंसंट्रेट करना चाहिए जिनमें वो बहुत गुड है। हमें भी क्या सीखने को मिलता है? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? जो हमें एबिलिटी है उस पे हमें और भी हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड फिडोस कांग इज रियली हैप्पी। नाउ इट इज टाइम टू से गुड बाय। अब फिडोस कांग की जो उनके साथ मीटिंग थी वो ओवर होने वाली थी, और उनके लिए जो ये मेमोरी थी, ये लास्ट एंड फॉर एवर मेमोरी थी जिसको वो कभी भी भूल नहीं सकते थे, फिडोस कांग। एंड ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हिम। वो उनको बहुत ही थैंक यू कर रहे थे क्योंकि वो उनकी इंस्पिरेशन थे और उन्होंने उनको टाइम दिया उनसे मिलने का। एंड एट द एंड फिडोस कांग शोज हिज ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। वो उनको
अपना थैंकफुलनेस शो करते हैं क्योंकि उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये भी कहते हैं कि सोचते हैं कि अगर वो स्टीफन हॉकिंग की तरह ही ब्रेव होते देन ही वुड अचीव समथिंग ह्यूज इन हिज लाइफ। अगर वो स्टीफन हॉकिंग की तरह ब्रेव होते उन्होंने भी कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में अचीव किया होता। सो व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर बच्चे? वंस यू चूज होप नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम अपनी लाइफ में डिटर्मिंड हैं कि मैंने ये करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। हमें तो हमेशा गॉड को थैंक यू करना चाहिए क्योंकि गॉड ने हमें बहुत अच्छा बनाया है। वी आर हैव बहुत कुछ एंड हमें हमेशा गॉड को क्या करना चाहिए? थैंक यू। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग ह्यूज वी मस्ट डू हार्ड वर्क। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड इम्पॉसिबल वर्ड इज ऑल्सो सेइंग आई एम पॉसिबल। थैंक यू स्टूडेंट्स।